एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी आरएस कॉलेज तारापुर। मैं आज आप लोगों को ओबेलिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दूंगा। यह ओबेलिया जिसको कॉमनली कहा जाता है सीफर या मेराइन एनिमल है। तो ओबेलिया पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग इसका सिस्मेटिक पोजिशन जानेंगे, इसका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है। तो यह फाइलम निडारिया में आता है, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडिया, सब ऑर्डर लेप्टोमेडुसा, जीनस ओबेलिया, स्पेसिस जेनिकुलाटा। यह जो ओबेलिया कॉलोनी जो है डेलिकेट का स्ट्रक्चर है, सिलेंट्री है, मेराइन है, और यह किसी स्टोन से, रॉक्स से, मोलस्कन सेल से, वुडन पाइल से, सी वाटर में पाया जाता है। ठीक है, यह ओबेलिया कॉलोनी काफ़ी डेलिकेट स्ट्रक्चर है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और इसका कलर व्हाइटिश टू लाइट ब्राउन इन कलर होता है। यदि हम लोग ओबेलिया कॉलोनी को नेकेड आई से देखेंगे तो एक सीविंग थ्रेड का सीने वाला धाई की तरह दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब इसी को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया कॉलोनी, तो ओबेलिया कॉलोनी का जो जिस सबस्ट्रेट में जुटा हुआ रहता है उसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोरहिजा। ओके, और दिस हाइड्रोरहिजा से बहुत सारे वर्टिकल ब्रांचेज निकलता है जिसको कहते हैं हाइड्रोकॉलस, और एक हाइड्रोकॉलस जो सिंगुलर है उसको कहते हैं हाइड्रोकॉलस, हाइड्रोकॉलस द प्लूरल। फ्रॉम दिस हाइड्रोकॉलस बहुत सारे शॉर्ट लेटरल ब्रांचेज निकलता है, और ये लेटरल ब्रांचेज अल्टरनेट ब्रांचिंग करता है, और प्रत्येक लेटरल ब्रांच एक जॉइंट्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ओल्डर जॉइंट्स जिसको हाइड्रांथ बोलते हैं, ओल्डर हाइड्रांथ के एक्जिल में एक दूसरा जॉइंट्स निकलता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। तो जब कॉलोनी में हाइड्रांथ और ब्लास्टोस्टाइल फॉर्मेशन होता है कॉलोनी डाइमॉर्फिक होता है, लेकिन जब कॉलोनी मैच्योर करता है और ब्लास्टोस्टाइल के अंदर मेडुसा का निर्माण हो जाता है तब यह कॉलोनी डाइमॉर्फिक हो जाता है। ओके, अब यह जो ओबेलिया कॉलोनी जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं चारों बगल अंदर में एक ट्यूबुलर सेलुलर स्ट्रक्चर लिविंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं सिनोसार्क। ठीक है, तो दिस इज सिनोसार्क, और यह सिनोसार्क जो होता है उसके अंदर हॉलो होता है, उसके अंदर कैविटी पाया था उसको कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और इसी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के द्वारा पूरे कॉलोनी में जो होता है डाइजेस्टेड फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पूरा सिनोसार्क चारों बगल से एक ट्रांसपेरेंट टफ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर जो काइटिन का बना होता है घिरा हुआ रहता है इसको कहते हैं पेरिसार्क। दिस इज पेरिसार्क। ओके, या पेरिसार्क जो होता है इसका सिक्रीशन सिनोसार्क के एपिडर्मिस के द्वारा होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इस हाइड्रांथ का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रांथ। हाइड्रांथ, यह हाइड्रांथ को न्यूट्रिटिव जॉइंट्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा इसका पोषण होता है। यह हाइड्रांथ के जो होता है इसका थ्री एंड होता है, उसके ऊपर में कॉनिकल एलिवेशन पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइपोस्टोम और मेनुग्रियम। ये हाइपोस्टोम का लंबाई पूरे हाइड्रांथ की लंबाई का 1/3 होता है। ठीक है, और हाइड्रांथ के टिप पर जो होता है हाइपोस्टोम के टिप पर एक एपर्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं ओरल एपर्चर, और माउथ, माउथ में जो होता है सिकुड़ना फैलने की क्षमता होता है। हाइपोस्टोम के बेस से बहुत सारे टेंटाकिल्स निकलता है, या टेंटाकिल्स काफ़ी लंबा होता है और सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, और टेंटाकिल्स के ऊपर बहुत सारे नेमेटोसिस्ट पाया जाता है, और इसी टेंटाकिल्स के सहारे हाइड्रांथ अपने शिकार को पकड़ करके माउथ के अंदर में डालता है। ओके, अब हाइपोस्टोम के अंदर जो कैविटी पाया जाता है उसको कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या एंट्रिक कैविटी, या हाइपोस्टोम चारों बगल से पेरिसार्क से घिरा हुआ रहता है, और यहाँ पर पेरिसार्क यह कहलाता है हाइड्रोथीका। हाइड्रोथीका, यह हाइड्रोथीका हाइड्रांथ के बेस पर एक सर्कुलर सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो इसको हाइड्रांथ को सपोर्ट करता है। यह हाइड्रांथ का यदि हम लोग बॉडी वाल को देखेंगे तो यह दो लेयर से मिलकर बना होता है। बॉडी वाल डिप्रोब्लास्टिक होता है, बाहर के लेयर को एपिडर्मिस और अंदर के लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं।
इपीडर्मिस में 7 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा में होता है, और गैस्ट्रोडर्मिस में 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो इपीडर्मिस में एक इम्पॉर्टेंट सेल्स है मस्कुलो इपिथिलियल सेल्स। यह मस्कुलो इपिथिलियल सेल्स यह इपिथिलियम का भी काम करता है और मसल्स का भी काम करता है, लेकिन इसके मसल्स का अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट रहने के कारण जब मस्कुलो इपिथिलियल सेल्स सिकुड़ता है तो इसकी लंबाई घट जाता है, डायमीटर बढ़ जाता है। ओके, अंदर में गैस्ट्रोडर्मी जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स पाया जाता है, तो यह न्यूट्रिशन भी मदद करता है और मस्कुलर भी है, लेकिन इसका मसल्स प्रोसेस का अरेंजमेंट ट्रांसवर्स नहीं होता, चारों बगल से ट्रांसवर्स नहीं होता है। तो न्यूट्रिव मस्कुलर सेल्स के मसल्स के सिकुड़ने से हाइड्रांट की लंबाई बढ़ जाता है और डायमीटर घट जाता है। ओके, यह हाइड्रांट कार्निवोरस होता है या समुद्र पाए जाने वाले क्रस्टेशिया नेमेटोड इत्यादि को खाता है, और इसका डाइजेशन अपने गैस्ट्रोवास्कुलर अंडरगोइंग करता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर होता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ब्लास्टोस्टाइल। तो दिस इज द ब्लास्टोस्टाइल। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोस्टाइल। दिस इज ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल इज ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स डिजिटल एंड इज ब्लाइंड। इसमें कोई टेंटाकिल्स और माउथ नहीं पाया जाता है, और यह ब्लास्टोस्टाइल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके चारों बगल में जो पेरिस्टाल घेर में रहता है वो कहलाता है गोनोथिका, और गोनोथिका के टिप पर एक एपर्चर पाया जाता है, उसको कहते हैं गोनोपोर। ब्लास्टोस्टाइल की वाल से बडिंग, एक सेक्सुअल बडिंग के द्वारा बहुत सारे सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं मेडुसा। यह मेडुसा डेवलप करके जब मैच्योर हो जाता है वह उसे स्प्लिट करता है और टूट के बाहर आ जाता है, और इस गोनोपोर के द्वारा समुद्र के पानी में आता और तैरने लगता है। तब यह जो मेडुसा बाहर आया पानी में तैरने लगेगा, अब उस मेडुसा का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेडुसा, क्या जो मेडुसा है वह अम्ब्रेला शेप्ड होता है, सॉलिटरी होता है, प्लाजिक होता है, प्री स्विमिंग स्ट्रक्चर है, या ओवेल या का मेडुसा यूनिसेक्सल होता है, दैट इज डायसियस, मीन्स मेल मेडुसा अलग होता है, फीमेल मेडुसा अलग होता है। एक ही मेडुसा में दोनों मेल और फीमेल नहीं होता, मेल मेडुसा अलग, फीमेल मेडुसा अलग। तो यह मेडुसा का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यह जो मेडुसा है अम्ब्रेला शेप होता है, इसका दो सरफेस होता है, इसका दो सरफेस, एक कन्वेक्स सरफेस एंड कनकेव सरफेस। कन्वेक्स सरफेस ऑफ मेडुसा इज कॉल्ड एक्स अम्ब्रेलर सरफेस एंड कनकेव सरफेस ऑफ मेडुसा इज कॉल्ड सब अम्ब्रेलर सरफेस। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेलर सरफेस ए शॉर्ट हैंडल शेप्ड स्ट्रक्चर इज फाउंड कॉल्ड मेनुबिरियम। दिस इज मेनुबिरियम, एंड मेनुबिरियम के टिप पर स्क्वायर शेप्ड एपर्चर पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। मेनुबिरियम अंदर की तरफ एक नॉरो पैसेज के में खुलता है, जिसको कहते हैं गलेट, और गलेट सेंटर में जाकर के फैल जाता है, फुला स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं स्टोमैक। दिस इज स्टोमैक। इस स्टोमैक से फोर कैनाल्स निकलता है, जिसको कहते हैं रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल, दिस इज रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल्स। यह रेडियल कैनाल्स पेरिफेरी की ओर जा करके एक दूसरा कैनाल खुलता है, सर्कुलर कैनाल खुलता है, जिसको कहते हैं रिंग कैनाल। दिस इज रिंग कैनाल और सर्कुलर कैनाल। तो रेडियल कैनाल सर्कुलर कैनाल जो होता है खुल जाता है, और किनारे की ओर मार्जिन में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो अंदर की ओर डायरेक्ट होता है, उसको कहते हैं वेलन। दिस स्ट्रक्चर इज वेलन, और मार्जिन में बहुत सारे टेंटाकिल्स पाया जाता है। यह जो टेंटाकिल्स है, स्टार्टिंग में टेंटाकिल्स की संख्या 16 होता है और धीरे धीरे की संख्या इंक्रीज करते जाता है। तो यह जो टेंटाकिल्स 16 टेंटाकिल्स है, अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ द मेडुसा उसका नामकरण किया गया है, उसका नेमिंग किया गया है। तो देर आर फोर पर रेडियस,
दिस वन इज पर रेडियस एंड इन फ्रंट ऑफ दिस पर रेडियस दैट टेंटाकिल्स विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड पर रेडियल टेंटाकिल्स. Bisecting the per radius, there is another radius called inter radius. In front of this, the tentacles is called inter radial tentacles. Bisecting per radius or inter radius, the another radius is ad radius. और इस ad radius के सामने जो tentacles पाया जाता है उसको कहा जाता है ad radial tentacles. Starting में जो solar tentacles पाया जाता है उसमें चार per radial tentacles, चार इंटर रेडियल टेंटाकिल्स और आठ एड रेडियल टेंटाकिल्स पाया जाता है और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते जाता है. एक होता है सब रेडियस. सब रेडियस वह रेडियस है जो इंटर रेडियस और एड रेडियस के बीच में या एड रेडियस और पर रेडियस के बीच में पाया जाता है, वो रेडियस को कहते हैं सब रेडियस टेंटाकिल्स. तो इसमें जो एड रेडियल टेंटाकिल्स है उसका बेस सॉलिड होता है, फुला होता है. यू कैन सी हेयर ये जो बेस सॉलिड है, एड रेडियल टेंटाकिल्स का बेस सॉलिड होता है. उसमें एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं स्टेटोसिस्ट. स्टेटोसिस्ट और यह स्टेटोसिस्ट को यदि हम लोग हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक वेसिकल शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे कैल्करियस कैल्शियम कार्बोनेट कण पाया जाता है जिसको कहते हैं ओटोलिथ. और यह स्टेटोसिस्ट जो होता है बैलेंसिंग के काम करता है, जब मेडुसा पानी में स्विमिंग करता है तो उसके बैलेंसिंग में काम करता है, इक्विलिब्रियम में मदद करता है. तो यह जो मेडुसा है तो मेडुसा में जो चार गुनेट्स पाया जाता है वह रेडियल किनाल पर उपस्थित है. तो चारों गुनेट्स या तो टेस्टिस होगा, मेल गुनेट्स होगा, दूसरे में चारों गुनेट्स या तो फीमेल गुनेट होगा ओवरीज पाया जाएगा. ओके, नाउ दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेलिया कॉलोनी. थैंक यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया कॉलोनी.